बुलेटिननी शुरुआत करिए महत्वपूर्ण समाचार थी। साबरमती नदी ने प्रदूषित करनारानी सामे कड़कमां कड़क कार्यवाही करवानो आदेशो आपवामां आव्या छे। हाईकोर्टमां आजे सुनावणी थई। साबरमती नदीमां वधता प्रदूषण मामले हाईकोर्टमां सुनावणी थई। नदीमां गेरकायदे कनेक्शनथी प्रदूषण ठालववानो मुद्दो हाईकोर्टे हुकम कर्यो छे। गुजरात पॉल्यूशन बोर्ड सहितनी ओथोरिटीजने हाईकोर्टे आदेश कर्यो छे। जीपीसीबीने गेरकायदे कनेक्शन विरुद्ध पगला भरवा माटे हाईकोर्टे आदेश कर्यो छे। शाहीबाग जेवा विस्तारमां ड्रेनेजनुं पाणी साबरमतीमां ठलवातुं होवानो मुद्दो हतो। साबरमती नदीना गेरकायदे कनेक्शन कापवा एएमसीने आदेश करायो। जयेश अपनी साथे लाइव जोड़ायेला छे। जयेश, साबरमती नदीमां गेरकायदे कनेक्शनथी लोको प्रदूषित पाणी ठालवी रह्या छे अने एटला ज माटे आखो मामलो हाईकोर्टमां पहोंच्यो छे। हाईकोर्टे टकोर करी वधु विगतो। सोनल, थोड़ा दिवसों पहला एक कोट मित्र द्वारा एक जाहिर रीतनी अरजी करती हाईकोर्ट में कि साबरमती नदी में प्रदूषित पानी ठलवाई रही है। त्यारबाद गत सुनावणी में सरकार और जीपीसीबी की झाटकणी हाईकोर्टे काढ़ी थी। त्यारबाद आज वधु सुनावणी हाथ धराई थी जेमां तमाम पक्षकारों हाजर रह्या हता। एमां एएमसी थी लई अने जीपीसीबी कोट मित्र गुजरात टास्क फोर्सना सभ्योना तमाम जे वकीलो छे ते हाजर रह्या हता। ए दरमियान हाईकोर्टे नोंध्यू छे कि जे अगाउना आदेशों मुजब एक बैठक करवा माटे तंत्र ने कहेवामां आव्युं हतुं ते बैठक हजु सुधी नहोती थई। आ 2022 नी वात छे कि ज्यारे हाईकोर्टे छे पोताना आदेशो पारित करता कह्युं हतुं कि एक त्वरित बैठक छे तमाम पार्टीओनी अने संलग्न जे ओथोरिटी छे तेमने करवामां आवे, परंतु ते बैठक छे हजु सुधी नथी योजाई। ते पण कोर्टे छे ते ध्याने लीधुं छे अने तेमणे वधारे आदेश करता कह्युं छे कि आगामी सप्ताहमां छे जीपीसीबी छे आ तमाम ओथोरिटी साथे बैठक करे जेमां एएमसी गुजरात टास्क फोर्सना अधिकारी कोर्ट मित्र तमाम लोको छे ते हाजर रहे अने आ समस्या छे ते गंभीर छे तेनुं सामान्य तमाम समन्वय साधी अने सोल्यूशन आवशे ए प्रकारनी वात हाईकोर्ट द्वारा करवामां आवी छे। साथे साथे जे कोर्ट मित्र छे तेमणे एवुं पण नोंध्युं हतुं कि जे शाहीबाग विस्तारमां जे ड्रेनेज कनेक्शनो छे તે અનલીગલી છે અને તેને લીધે જ આ સુએજમાં થઈ અને સાબરમતીમાં પ્રદૂષિત પાણી ઠલવાવવામાં આવી રહ્યું છે। ત્યારે આ મુદ્દા ઉપર પણ આગામી દિવસોમાં સુનાવણી થશે, એટલે કે જે લોકો ગેરકાયદેસર રીતે છે ડ્રેનેજનું પાણી છે તે છોડી રહ્યા છે તેમની સામે પણ પગલાં લેવાશે। એટલે એવી સોસાયટીઓ કે જેની પાસે લીગલ કનેક્શન નથી તેમની સામે પણ કાર્યવાહી આગામી દિવસોમાં થશે, જેથી કરીને કોર્ટ મિત્રએ સોસાયટીના ચેરમેન કમિટી મેમ્બર તમામને ચેતવ્યા છે કે જો તમારે ગેરકાયદેસર કનેક્શન હોય અને તમારું જે પાણી છે તે સાબરમતી નદીમાં ઠલવાતું હોય તો તમારી સામે પણ આગામી દિવસોમાં કાર્યવાહી થઈ શકશે। હાઈકોર્ટ દ્વારા છે તમામ મુદ્દાઓ ઉપર આજે સુનાવણી કરવામાં આવી હતી, જેમાં કેટલાક આદેશો પારિત કરવામાં આવ્યા છે અને એક બેઠક છે તે આગામી સપ્તાહમાં યોજાશે। ત્યારબાદ વધુ સુનાવણી હાઈકોર્ટમાં હાથ ધરાશે। સોનલ જી, જયેશ, આભાર તમામ વિગતો માટે। અને હવે આગળ